के माध्यम से हुए त्योहारों के विषय में बताया गया है कि इस तरह से कि श्री हनुमान जी को वस्त्र धारण कराया गया और उनके विभिन्न स्वरूपों को इन चित्रों में दिखलाया गया है। मंदिर में हुए सजावट सिर्फ कला की इतनी विशिष्ट देन जो भारतीय संस्कृति को उजागर करती है वो दिखलाया गया है और मंदिर की सजावट को बखूबी पेश किया गया है। प्रस्तुत तस्वीरों के माध्यम से दिखलाया गया है कि किस तरह से बजरंग थोड़ा मंदिर का विकास हुआ, इसका पुराना स्वरूप और इसका आज का नया विकास स्वरूप दिखलाया गया। इनमें त्योहारों में हुए विभिन्न लोगों को भी दिखलाया गया किस तरह से उन्होंने इस मंदिर का उद्धार में शामिल हुए और विकास किया। प्रस्तुत चित्रों में मंदिर में हुए कला संस्कृति को दिखलाया गया है, कल्चरल प्रोग्राम को दिखलाया गया है और विभिन्न विशिष्ट लोगों को दिखलाया गया है कि मंदिर में किस तरह से पूजा सम्पन्न कराई गई। भारतीय संस्कृति को उजागर करते हुए पावन नीम का पेड़ दिखलाया गया है जिसमें लोग अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए धागा मानते हैं और उनकी मन्नत पूर्ण हो जाए तो धागा इस तरफ लटकाया जाता है। धुआं है जिसमें कि जब पूजा की जाती है तो अग्नि प्रज्वलित की जाती है जो सामने दिखलाया गया है और भगवान की के प्रति पंडित जी समर्पित हो चुके होते हैं। मंदिर की समय सारणी को दिखलाया गया है, ठंडी के समय में दर्शन का समय प्रातः 6 बजे से 12 बजे तक होता है और शाम में 4 बजे से 10 बजे तक होता है। मंगलवार और शनिवार को रात 11 बजे तक चालू रहता है और आरती का समय प्रातः 7 बजे से 7:45 तक की होती है। वहीं गर्मी के समय दर्शन का समय 6 बजे से 10 बजे तक होता है और आरती का समय प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक होता है। मंदिर सामने से देखने पर बिल्कुल इस तरह से नजर आता है और अपने आप को इसके प्रति समर्पित हो जाने के लिए आवंटित कर देता है। मंदिर के ठीक सामने 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर और कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत ही अच्छा कॉलेज है और हम छात्र मिलकर आपको इस मंदिर का दर्शन करवा रहे हैं।